गाइस, टुडे आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट थ्री, मतलब चैप्टर फोर का पार्ट थ्री, जिसमें हम लोग वर्कशीट वन का क्वेश्चन नंबर फोर, फाइव और सिक्स करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फोर ये है कि मोटर बोट कवर्स 20 किलोमीटर इन 4 आवर्स। मतलब एक मोटर बोट 4 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 7 आवर्स, स्पीड रिमेनिंग द सेम अंडर ब्रैकेट। तो हमारा क्वेश्चन है कि 7 घंटे में वही मोटर बोट कितना किलोमीटर कवर करेगा, स्पीड सेम ही होगा। तो चलिए करते हैं। जैसा कि आप लोग अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को इस चैप्टर का पूरा सीरीज दे दूंगा, सीरी का लिंक दे दूंगा, उधर जाके विजिट करके देख लेना पार्ट वन और पार्ट टू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो प्रोसेस था वही हम लोग अप्लाई करेंगे। फर्स्ट आप लोग अपना स्टेटमेंट लिख के करना। फर्स्ट हम लोग लिखेंगे क्या क्या इधर मेन चीज है, इधर क्या है, एक है डिस्टेंस और एक है टाइम। तो फर्स्ट हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड एक इधर है 20 किलोमीटर और इधर है टाइम, इधर है 4 आवर्स, 4 घंटे में 20 किलोमीटर। तो इधर इसके नीचे क्वेश्चन मार्क होगा और एल्स ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं एक्स और इधर 7 आवर्स। अब इजी प्रोसेस है, टोटल पहले एक्स का ऊपर या फिर क्वेश्चन मार्क का ऊपर जो नंबर है इनटू एक्स इज इक्वल्स टू कर देते हैं इनटू ये वाला होगा पहले। क्या हमें क्या मतलब क्या निकालना क्या है, फर्स्ट निकाला हमें कितना किलोमीटर। अगर 7 आवर्स है तो 7 आवर्स में वो ज्यादा किलोमीटर जाएगा ऑब्वियसली, 20 से ज्यादा, तो हमें इधर भी ज्यादा नंबर ढूंढना है। तो ये 7 तो ये आएगा फर्स्ट बाय 4 जो बचा हुआ है। अब सीधा हम लोगों को सिंप्लीफाई कर देना है 5, अब सीधा इनटू कर देना है 5 7 35। बस हमारा आंसर निकल चुका है 35 किलोमीटर ये बोट 7 घंटे में ट्रेवल कर सकता है। तो आंसर द मोटर बोट विल कवर 35 किलोमीटर इन 7 आवर्स। तो हमारा आंसर निकल चुका है कि द मोटर बोट विल कवर 35 किलोमीटर इन 7 आवर्स। और यह है हमारा प्रोसेस जो कि हम बार बार फॉलो करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी लिख लिया है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ मोटर बाइक ट्रेवल्स, वैसे मैं लिखा हूं मेरे को पता है लेकिन वीडियो बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, देखते हैं। अ मोटर बाइक ट्रेवल्स 210 किलोमीटर ऑन 30 लीटर्स ऑयल, मतलब 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। हाउ, ऑब्वियसली पेट्रोल में चलेगा, कुक करने का तेल से मोटर बाइक नहीं चलेगा। हाउ फार वुड इट ट्रेवल ऑन 7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो इधर हमें कौन सा मेन चीज है हमारा, एक है डिस्टेंस और एक है क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। तो हमें इधर क्या निकालना है, डिस्टेंस। अगर 30 लीटर्स में 210 जाएगा तो 7 लीटर्स में कितना जाएगा, इधर हमारा फॉर्मूला हम लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या है, डिस्टेंस, और मैं आप लोगों को बार बार बोल दे रहा हूं, आप लोग स्टेटमेंट लिख लिख के कीजिएगा, बाद में नंबर कम आने पर मेरे को मत बताना। डिस्टेंस मैं आप लोगों को सिर्फ प्रोसेस दिखा दे रहा हूं। और इधर क्या है,
क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल सीधा। अब हमें क्या करना है, ऑब्वियसली जो किए वही करना है। तो इधर डिस्टेंस के नीचे हम लोग लिखेंगे 210। आप लोग क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल को भी आगे लिख सकते हैं, लेकिन प्रोसेस वही है, एक्स के ऊपर वाला पहले लिखना है। इधर एक्स क्योंकि हमें यही निकालना है, तो जो निकालेंगे उसको हम एक्स मान लेते हैं। और इधर 30 क्योंकि 30 लीटर ऑयल में 210 किलोमीटर जाएगा। और इधर 7 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगा, तो फिर करते हैं कितना जाएगा निकालते हैं, निकालने के बाद ही बोलेंगे ना। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये एक्स के ऊपर वाला 210 इंटू 7 लीटर, मतलब इधर हमारा ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा ये कम, अगर 30 में इतना करेगा तो 7 में कम ही करेगा, तो हमें कम वाला लेना है इनमें से, तो 7 कम है, 7 फर्स्ट में ले लेंगे। उसके बाद 30 आप सीधा सिंप्लीफाई 0 0 काट देंगे, इधर 21 है सीधा काट देंगे, तो फिर हमारा कितना आता है 3 7 21। अब 7 7 49 ऑब्वियसली डन, 49 किलोमीटर ये जाएगा 7 लीटर पेट्रोल में। अब आंसर लिख देते हैं इधर, जो मुंह से बोले मुंह से ही बोलेंगे ना। तो इधर लिख देते हैं द मोटर बाइक विल ट्रेवल, सॉरी फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एल ट्रेवल 49 किलोमीटर इन 7 लीटर पेट्रोल। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा आंसर इजीली निकल गया है, प्रोसेस भाई एक ही है यही, और एक है लेकिन वो वाला उससे भी इजीएस्ट ये है। अगर ये आप समझ जाओगे तो हर एक इजीली कर पाओगे, इजीली बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल इजी, समझे ना, समझो फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फिर। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख लिया है, सॉरी फॉर मतलब इस साइड का दिख नहीं रहा, थोड़ा लॉन्ग लिख दिया ना इसीलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना, वैसे भी मैं पढ़ दे रहा हूँ, अगर आप लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग नोट डाउन कर लेना। इफ 12 वुमेन्स कैन वेव 15 मीटर्स ऑफ क्लोथ इन अ डे, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लोथ कैन बी वोवन बाय 20 वुमेन्स इन अ डे। तो इधर क्या बोला गया है कि अगर 12 वुमेन 15 मीटर क्लोथ बुन सकती है एक दिन में, तो 20 वुमेन एक ही दिन में कितना मीटर बुन सकती है क्लोथ। तो देखते हैं इधर क्या क्या मेन है, एक है वुमेन और एक है 15, मतलब एक है मतलब सॉरी मतलब एक है लेंथ, क्योंकि इधर डेज जो है वो एक ही है, दोनों में इक्वली है। तो फर्स्ट हमें क्या लिखना है, एक बार फिर से मैं याद दिला दे रहा हूँ, स्टेटमेंट लिख के करना। तो फर्स्ट हमें करना है नंबर ऑफ वुमेन्स, नंबर ऑफ राज में थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों का कोई प्रॉब्लम ना हो, और इधर लेंथ लेंथ। तो हमें क्या फाइंड करना है लेंथ, तो नंबर ऑफ वुमेन्स इधर फर्स्ट हम लोग लिखते हैं 12 जो कि हमारे पास टोटल है, लेंथ भी है वुमेन्स भी है, तो वो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे। उसके बाद 20 वुमेन्स है और लेंथ हमें फाइंड करना है, तो वो हम एक्स अभी पकड़ लेते हैं उसको, एक्स हाथ से मत पकड़ो मतलब सोच लो। तो उसके बाद
इधर क्या करना है, जो हमारा प्रोसेस है एक्स के ऊपर वाला पहले 15 इंटू 20 अगर वुमेन है तो इधर कितना लेंथ कितना होगा, ऑब्वियसली ज्यादा वो लोग बुन पाएंगे तो इनमें से ज्यादा वाला ढूंढना पड़ेगा नंबर, तो 20 ऑब्वियसली ज्यादा है, बाय 12 कर देना है हमें 20 बाय 12। उसके बाद सीधा हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, किससे किससे होगा, इससे और इससे क्या होगा, 4 से होगा, 4 5 जा 20 और इधर 4 3 जा 12, इधर 3 5 जा 15 हो जाएगा, और इधर 5 इंटू 5 25, समझ रहे ना, समझो बस। उसके बाद 25 आ गया, अब हमारा आंसर है 25 ऑब्वियसली, आंसर लिखते हैं फिर 20 वुमेन कैन वोव 25 वेव सॉरी मीटर ऑफ क्लोथ्स इन अ डे इन अ डे। बस हमारा आंसर निकल गया, सिंपल। तो गाइज चलिए, तो गाइज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख के बता देना, और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक, सर क्या बोल रहा हूँ मैं, लिंक मिल जाएगा हमारे ये चैप्टर 4 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन का सीरीज, पार्ट 1 पार्ट 2 उधर से देख लेना, और ये पार्ट 3 भी आ रहा है उसी में देख लेना, और लाइक करना, और पूरा वीडियो अगर आप लोग एंड तक देखे हो तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा भला, शुक्रिया। तो नेक्स्ट वीडियो में